How to fix incoming call not coming in Airtel 4G? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके सिम में भी इनकमिंग कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इनकमिंग कॉल जो है आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और दोस्तों आप जो है परेशान हो चुके हैं, तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने मोबाइल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कम से कम 5 सेटिंग बताऊंगा और लास्ट का सेटिंग जो रहेगा वो मेजर सेटिंग रहेगा, तो लास्ट का सेटिंग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लास्ट का सेटिंग करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर। अभी सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड में ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अपना मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लीजिए और अपना सिम कार्ड को जो है एक बार आप जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। सिम कार्ड को आप एक बार रिमूव कर लीजिए, उसके बाद में सिम कार्ड को आप दोबारा से इंसर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में अपना मोबाइल को स्विच ऑन कर लीजिए, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एयरप्लेन मोड को ऑफ कर लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिए, एक दूसरा मोबाइल से अपना मोबाइल में कॉल करके चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे इनकमिंग कॉल जो है काम करता है कि नहीं। यदि काम कर जाता है सही बात है, काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या करना है मैं बताऊँगा। आपका सेटिंग में यहाँ पे डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क शो कर रहा होगा या फिर सिम मैनेजमेंट या फिर मोबाइल नेटवर्क, तीनों में कोई सा भी एक शो कर रहा होगा, आपको वहाँ पे जाना है। बेसिकली आपको सिम कार्ड में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यदि डुअल सिम है तब आपको कौन सा सिम में आपको इनकमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो सिम आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको करियर पर जाना है, करियर पे जाना है, आपको शायद करियर कॉल सेटिंग आपको शो करे, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च या फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको ऑफ कर देना है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑफ करने के बाद में क्या होगा कि शायद आपको यहाँ पे 2-3 मिनट भी लग सकता है यहाँ पे नेटवर्क शो होने के लिए, तो सर्चिंग में आपको शायद 2 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो कुछ देर आप वेट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको नेटवर्क शो होगा। तो दोस्तों यदि आपका नेटवर्क बहुत ही कम आता है और उसके वजह से आपको इनकमिंग कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो केस में आपको यहाँ पे नेटवर्क बदलना होगा, ठीक है। मैनुअली यहाँ पे आप कोई सा भी नेटवर्क सेलेक्ट करके एक बार इनकमिंग कॉल काम कर रहा है कि नहीं आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने दूसरा मोबाइल से, ठीक है। तो दोस्तों ये करके आप चेक कर सकते हैं, ये करने के बाद में आपका सही हो जाता है तो बढ़िया है, सही नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, अभी देखिए दोस्तों थर्ड सेटिंग जो है दोस्तों, कभी कभी हम अपना मोबाइल में सेटिंग जो है उलट पुलट हो जाता है, सेटिंग में हम छेड़खानी कर देते हैं और यहाँ पे इनकमिंग कॉल हमारा ब्लॉक कर देते हैं हम छेड़खानी में, या फिर किसी को आपने मोबाइल दिया था होगा उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, अनजान में ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो केस में तो आपको क्या करना है, डायल बटन पर जाना है अपने मोबाइल का डायल बटन पर, उसके बाद में सबसे ऊपर गियर आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लॉक पर आपको जाना है, उसके बाद में कॉल ब्लॉकिंग पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक ऑल इनकमिंग कॉल्स, तो इसे आपको इनेबल कर देना, ठीक है। ये ब्लॉक होने पर भी क्या होता है, आपका इनकमिंग कॉल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये शो नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट में, आपको वो शो नहीं हो रहा है तो आपको जो है अपना कॉल सेटिंग को कम्प्लीटली आपको रीसेट करना है। ये करने के लिए आपको ऐप मैनेजमेंट में आना है। ऐप मैनेजमेंट आपके मोबाइल में शायद इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर एप्लीकेशन के नाम से शो करे, उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है या फिर सिस्टम एप्लीकेशन, उसके बाद में आपको जाना है कॉल मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि आपको पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर जाना है तो आपको ये लोगों से आप पहचान सकते हो डायलटी उनका लोगों से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप कर देना है, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में स्टोरेज यूसेज पे चले जाइए और यहाँ पे क्लियर डाटा में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसे क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद में दोस्तों आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद में दोस्तों एक बार दूसरा मोबाइल से अपना मोबाइल में कॉल करके चेक कीजिए, आपका इनकमिंग कॉल जो है वो डेफिनेटली काम करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका कम से कम 3 आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यदि ये भी आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट एक बार चेक कर लेना है। किसी फ़ोन में अबाउट फोन में जाने के बाद में आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, किसी फ़ोन में डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आपको शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट एक बार चेक कर लीजिए, कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर हमें दिखाई देता है तो नया कॉल में जो है कॉल में हमें अपडेट आया होता है, उस वजह से भी यहाँ पर इनकमिंग कॉल में प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद में आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, अभी लास्ट फाइनल आपको मैं बताता हूँ। फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों, आपको अपना मोबाइल का सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिसेट में जाना है, उसके बाद में रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग में जाना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग ऑनली
पे आपको क्लिक करके अपना मोबाइल का जितना भी सिस्टम सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग, मोबाइल सेटिंग, वो सारा आपका रीसेट हो जाएगा। इससे आपका डाटा वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, घबराने वाला बात नहीं है। तो ये करने के बाद में दोस्तों आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा, होने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपके मोबाइल में सिस्टम सेटिंग ओनली रीसेट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक आपको क्लियर ऑल डाटा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल को कम्प्लीटली रिस्टोर करना होगा। तो सबसे पहले तो आप बैकअप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में रिस्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ये करने के बाद में तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन बाय चांस यदि फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कभी कभी आपका सिम कंपनी की तरफ से टेक्निकल इश्यू या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वो केस में तो आपको कस्टमर केयर से बात करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।